नहीं होशा तू याद आता क्यों नहीं। गंगा जमुना मैं तेरी लहर है, गंगा जमुना मैं तेरी लहर है। मैंने महकना सीखा, मैंने चहकना सीखा, औरों से हटके मैंने चमकना सीखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ MR वीडियो टेक चैनल में। आज मैं आपके साथ एक नया एपिसोड लेके आई हूँ, एक महक मेरी भी है। तो आज हमारे स्टूडियो में एक नई मेहमान आई है जिनका नाम है चंद्रो देवी जी, जो लगभग 70 से ऊपर की हैं। तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो नमस्कार माता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी जिंदगी का सफर कैसा रहा, आप अपने परिवार के साथ और अपनी जिंदगी बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा परिवार बेटा बहुत अच्छा है और सफर खूब अच्छा कटा है, और अब तो भक्ति भाव में ध्यान रहता है। मंदिर जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, भगवान को ही ध्यान है। अब सतगुरु वही से बेटा पार वही करेगा, और अब मैं भजन भाव में ज्यादा ध्यान रखती हूँ और भजनों में मेरा दिल करता है। तो माता जी, अभी आपने बताया कि आपको भजन गाना पसंद है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप भजन के अलावा भी किसी चीज में रुचि रखती हैं? हाँ बेटा, भजनों में मैं नाचती भी हूँ, मतलब डांस करने की दिल में आती है, मन में उमंग उठती है, तो भजन भाव में नाचती हूँ। तो माता जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी डांस की झलक दिखाएंगी? हाँ बेटा। दिल में उजाला क्यों नहीं हो, मेरे दिल में उजाला क्यों नहीं हो, शाम तू याद आता क्यों नहीं। गंगा जमुना मैं तेरी लहर है, गंगा जमुना मैं तेरी लहर है, मेरे दिल को लहराता क्यों नहीं हो, मेरे दिल को लहराता। तो माता जी, आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया? बेटा 60 साल हो गया, और मैं तीर्थ यात्रा बहुत कर लिया, बद्रीनाथ और गंगा सागर, सोमनाथ, दारनाथ और काशी विश्वनाथ, काली का दर्शन करके कलकत्ता में, और मथुरा, वृंदावन, बरसाना और माउंट आबू। तो माता जी, अभी आपने हमें इतने तीर्थ स्थानों के नाम बताए, तो आप जहाँ जहाँ घूमी, आपका जो अनुभव था वहाँ यात्रा करने का, वो कैसा रहा, आप हमें बताना चाहेंगी? बहुत खुशी की बात बेटा, मेरे को बहुत सब कुछ याद है जहाँ जहाँ घूमी हूँ, और मन की तमन्ना अब भी यही है और तीर्थ कर लूँ। तो आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में अनिला रावत जी आई हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। सो नमस्कार। धन्यवाद। और मैं आज आपके मेहमान, वैसे हम इतनी वो नहीं है हमारी कि हम बुजुर्गों को कुछ दे पाए, लेकिन फिर भी मैं एक पौधा देने की कोशिश अपनी ये लीजिए माता जी, और मैं चाहती हूँ कि आप और हमारे समाज को भी प्रेरणा दें कि सभी जितने भी है आने वाली पीढ़ी को, कि भाई आप भी एक एक पौधा जरूर लगाएं। तो यदि हमारे पूरे इंडिया का हर व्यक्ति एक एक पौधा लगाएगा, तो वैसे भी 100 करोड़ से ऊपर पौधे हमारे हो जाएंगे। हरे भरे रहे परिवार सब, हमारे इंडिया को मैं सब हरे भरे रहे, भगवान सबको खुशी रखते हैं। तो आप दोनों हमारे स्टूडियो में आई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपकी ऐसी नए नए मेहमानों से मुलाकात कराते रहेंगे, और उनके साथ हमारी ऐसी बातचीत जारी रहेगी। धन्यवाद।